दोस्तों कुछ ही दिन में हमारा समर वेकेशन शुरू होने वाला है, तुम लोग कहाँ जाओगे? पूनम तू कहाँ जाएगी? मैं तो अपने मामा घर जाऊंगी। मामा घर भी कोई घूमने की जगह होती है क्या? वही तो। प्रिया तू कहाँ जाएगी? मैं तो अगली गली पहुँच के मोमो और भेलपुरी खा के आऊंगी। मैं यहाँ समर वेकेशन की बात कर रहा हूँ और तुम लोग अगली गली पिछली गली कर रहे हो। वैसे बरसान तू लास्ट वीक फॉरेन टूर पर गया था ना? लास्ट वीक क्या, मैं तो हर वीक फॉरेन टूर पर जाता रहता हूँ। तू हमारे लिए फॉरेन ट्रिप से क्या लाया? तुम्हें पता है मैं नेक्स्ट वीक भी फॉरेन टूर पर जा रहा हूँ और इस बार मैं जा रहा हूँ स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड? हाँ, तुम्हें तो पता ही है स्विट्जरलैंड की वादियाँ कितनी अच्छी होती है और बॉलीवुड फिल्मों में तो तुम लोगों ने देखा ही होगा, जरा सा झूम लूं मैं, अरे नारे नारे ना। मैं वहाँ जाके वीडियो बनाऊंगा और तुम्हें सेंड करूंगा, तुम लोग शेयर करना ठीक है? तू वीडियो बनाएगा और हम शेयर करेंगे? हम क्यों शेयर करें, हमें इससे क्या फायदा? अरे फायदा ही फायदा है, मेरा स्विट्जरलैंड का वीजा लग गया ना, तो आज मैं तुम लोग को पार्टी दूंगा। पार्टी? हाँ, वो भी चॉकलेट पार्टी। चॉकलेट पार्टी? कहाँ के चॉकलेट बोलो तो? कहाँ के? बैंकॉक के चॉकलेट। चॉकलेट खाओगे? हाँ हाँ हाँ। ये देखो बैंकॉक का चॉकलेट, ये ले, ये प्रिया तेरे लिए और ये मेरे लिए। आई पहले चीयर्स तो कर लेते हैं। चीयर्स। खाओ। कैसा है? बहुत टेस्टी है। निकलता ही नहीं है। कैसा है? अच्छा है। अच्छा है ना, मैंने कहा था ना खाओ खाओ। और एक देना। अभी नहीं, ट्यूशन के बाद। अभी देना, मैंने कहा ना ट्यूशन के बाद। ठीक है, आराम से खाएंगे ट्यूशन के बाद। बच्चों बहुत हो गया पढ़ाई, अब पैसा दो पैसा, ट्यूशन का फीस भरो। ओए प्रिया फीस दे। मैम मैंने तो पहले से ही 2 महीने का फीस एडवांस दे रखा है, फिर भी आप मुझसे क्यों मांगती? ये दोनों से क्यों नहीं मांगती? हाँ मांगती हूँ मांगती हूँ। पूनम तू अपना फीस दे। मैम मैंने तो कल ही ट्यूशन फीस भरा है ना। तो एडवांस दे देना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मैम अभी तो समर वेकेशन शुरू होने वाला है, तो एडवांस किस लिए? क्यों, जब स्कूल में समर वेकेशन होता है तो तू स्कूल का फीस नहीं भरती? भरते है ना। तो फिर ट्यूशन का फीस भी भरना। हमारे स्कूल में तो एसी है, पंखा है, डेस्क है, आपके ट्यूशन में तो कुछ भी नहीं है। सोफा भी नहीं है। एसी और पंखा की क्या जरूरत, यहाँ तो नेचुरल हवा है और तुम दोनों सोफे में ही बैठे हो। ये सोफा है? हाँ। ये तो चटाई है। चटाई के नीचे क्या है? मिट्टी। और हमारा मिट्टी बहुत मुलायम है, सोफे से भी ज्यादा मुलायम है। ज्यादा बकबक मत कर, चुपचाप पढ़ाई कर और कल मुझे फीस ला कर देना। ठीक है। हाँ पढ़। प्रशांत अब तेरी बारी, तूने तो मुझे 3 महीने से फीस नहीं दिया है, चुपचाप फीस दे। मैं तो गरीब हूँ मैम। तू गरीब है? हाँ मैम, मेरे पास ट्यूशन फीस भरने के पैसे नहीं है। फॉरेन टूर के पैसे होते हैं तेरे पास, लेकिन ट्यूशन फीस भरने के पैसे नहीं होते। नहीं मैम, वो फॉरेन टूर तो हमारे पापा के कंपनी वाले स्पॉन्सर करते हैं। तो फिर हम तीनों के लिए भी एक एक टिकट कर देना। नहीं मैम, नहीं, लेकिन थोड़े मोड़े पैसे तो खुद के लगते हैं ना। तो फिर वैसे पिछले वीक तू कहाँ गया था? हांगकांग ना? मैम वो हांगकांग नहीं, हांगकांग होता है। हाँ हांगकांग से तू मेरे लिए क्या लाया? कुछ भी नहीं। अगर तू मेरे लिए हांगकांग से कुछ लाता तो मैं तेरा ट्यूशन फीस माफ कर देती, लेकिन तू तो मेरे लिए कुछ लाया ही नहीं, तो फिर मैं तेरा ट्यूशन फीस क्यों माफ करूँ? तुझे अब भी क्या भी ट्यूशन फीस भरना है? मैम अगर मैं हांगकांग से आपके लिए कुछ लाता तो आप मेरा ट्यूशन फीस माफ कर देती? माफ कर देती, लेकिन तू तो मेरे लिए कुछ लाया नहीं। हांगकांग का खाना कितना टेस्टी होता है, चॉकलेट भी सबसे टेस्टी होता है। मैम मैम, मेरी माँ ने ना मौसी के लिए हांगकांग का चॉकलेट लाया था, मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं वो चॉकलेट आपको दे दूं। देगा? हाँ मैम, अभी लाया हूँ, मैं मौसी को देने वाला था लेकिन मैं आपको दे देता हूँ। दे दे जल्दी दे, मैं तेरा ट्यूशन फीस अभी क्या भी माफ कर दूंगी। ठीक है ठीक है, दे 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 जल्दी दे। प्रशांत तूने बताया नहीं तू हांगकांग का चॉकलेट लाया है, तू उस चुड़ैल को हांगकांग का चॉकलेट देगा? पागल है क्या तू, मैं इस चुड़ैल को हांगकांग का चॉकलेट क्यों दूंगा, इसे सस्ता फुटपाथ का चॉकलेट दूंगा जो मैं रामू के दुकान से लाया हूँ। देखोगे ये देखो। प्रशांत ये तो वही चॉकलेट है ना जो हम लोगों को दिया था तूने? तूने हमसे झूठ कहा? अरे नहीं नहीं, मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा,
वो क्या है ना, मैं कंफ्यूज हो गया था। मेरे घर में हूबहू ऐसा ही चॉकलेट है जो मैं हांगकांग से लाया था, लेकिन आज गलती से ये चॉकलेट ले आया। कोई नहीं, मैं तुम्हें कल देता हूँ ना हांगकांग वाला चॉकलेट। आज फिलहाल इस स्टूडेंट को ये चॉकलेट दे देता हूँ, इसे थोड़ी ना पता चलेगा। हाँ दे दे दे। क्या देने की बात चल रही है? मैम वो चॉकलेट देने की बात कर रही है। अच्छा दे दे दे। अरे ये चॉकलेट पहले से खुला क्यों है? मैम हांगकांग का चॉकलेट ऐसा ही रहता है, खुला खुला पैकेट भी खुला ही रहता है। मैम बहुत टेस्टी है, आप खा के देखिए ना। तुझे कैसे पता था? वो देख के पता चलता है ना मैम। अच्छा कहीं तूने तो ये चॉकलेट नहीं खाया ना? नहीं नहीं मैम, देख के पता चलता, टेस्टी जैसा लगता है। पढ़ो ना तुम दोनों। ठीक है। क्या देख रहे हो? अरे देखो वो चुड़ैल तो चली गई। हाँ। जाएगी ना, यहाँ थोड़ी बैठेगी। भुक्कड़ को चॉकलेट मिल गया है, अब अंदर जाकर आराम से चॉकलेट को एंजॉय करेगी ना। यहाँ रही तो हमें भी देना पड़ेगा चॉकलेट। हम इधर क्यों बैठे, हम भी खेलने चलते हैं। हाँ जब वो चुड़ैल अपनी मनमानी कर सकते तो हम क्यों नहीं, हम भी जाते खेलने। चलो चलो। रिंगा रिंगा रोजेस, पॉकेट खुला पोजेस, आइसा हुइसा ऑल फॉल डाउन। रिंगा रिंगा रोजेस, पॉकेट खुला पोजेस, आइसा हुइसा। क्या बोर हो गए, बोर हो गए, पकड़ा पकड़ाई खेलते हैं, चलो। चॉकलेट खाकर तो मजा ही आ गया। बच्चे बच्चे कहाँ गए? मैं थोड़ी देर के लिए अंदर चली गई, ये लोग तो भाग गए। इनका बैग तो यही है, जरूर ये लोग खेले गए होंगे। इन्होंने मुझे समझ कर क्या रखा है, दो तीन चॉकलेट देकर मुझे फुसला लेंगे। मैं कौन हूँ? हाँ मैं दिव्या टीचर हूँ, इनकी तो आज खैर नहीं। आपने तो कुछ भी नहीं कहा था। एक थप्पड़ लगाओ, झूठ बोलते हैं। मैंने तुम लोग को पढ़ने कहा था। मैम हम पढ़ ही रहे। कहाँ पढ़ रहे? कहाँ किताब दिखा मुझे, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है? किताब तो ट्यूशन में ही है मैम। तो फिर तुम लोग पढ़ कैसे रहे थे? मैम हम मन ही मन पढ़ रहे थे। उल्लू समझते मुझे? हाँ चुपचाप चलो। मैम थोड़ी देर तक खेलने दीजिए ना। एक सेकंड में खेलने नहीं दूंगी, पूरे मोहल्ले में नाक कटवा के रख दिया मेरे, लोग क्या समझेंगे मुझे। टीचर अंदर खा रही है, बच्चे बाहर खेल रहे, पूरे ट्यूशन का इमेज खराब करके रख दिया। चुपचाप चलो ट्यूशन। मैम खेलने दीजिए ना। खेलने दूँ? चल चल ट्यूशन चल। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो में आपको बेस्ट पार्ट कौन सी लगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना। और बिहाइंड द सीन्स के लिए मेरे इंस्टाग्राम आईडी प्रशांत यूट्यूबर को भी फॉलो कर लेना। तो मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।